नाउ आई कॉल द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मैन इन इन द फिल्म इन बैनराज जॉनी बलराज रणबीर कपूर आपने ट्रेलर देखा बहुत अच्छा हुआ और ट्रेलर में आपको कैसा लगा बहुत बढ़िया है आपने... आपने देखा वो एक्चुअली ट्रेलर है आप जब फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छी कास्टिंग कोई हो नहीं सकती थी मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ करण जी को मैं नरेट करने गया था उसके पहले हम लोग नसीर जी और बहुत सारे अदर दूसरे एक्टर्स से बात कर रहे थे और बातें कभी कंप्लीट नहीं हुई थी जब मैंने करण को कास्ट किया पहला मैसेज मुझे नसीरुद्दीन शाह का आया क्योंकि वो रोल जानते थे उन्होंने कहा दिस इज द मोस्ट इंस्पायर्ड कास्टिंग आई एवर सीन इन माय लाइफ बिकॉज ही इज योर खम ये नसीरुद्दीन शाह ने मुझे मैसेज करके बोला आई वॉज इंस्पायर्ड एंड चीप बाई वे

तो अनुराग खुद मुझे बोला कि यार तू तो बहुत मतलब अर्बन टाइप एक्टर है आई डोंट नो यू विल फिट इन टू दिस पार्ट सो गिव मी टू थ्री डेज मैं इसके बारे में सोचता हूँ लेट मी गेट बैक टू यू आई हैव टू वेट एंड दो तीन दिन दो दिन बाद फोन नहीं किया एक हफ्ते बाद फोन किया एंड सेट कि सॉरी आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम बट आई हैव टू गेट एडजस्टेड टू द फैक्ट के आई कैन सी यू इन दिस फिल्म सो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो बहुत कम स्क्रिप्ट मिलते हैं आपको यू नो यूजली यू वॉन्ट टू वर्क विद अ डायरेक्टर यू वॉन् टू वर्क विद अ बैनर बट दिस वॉज फर्स्ट टाइम दट आई जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्चुअली ऑन जस्ट द प्योर बेसिस ऑफ अ स्क्रिप्ट

वो था वो दिक्कत हमारी प्रोडक्शन हमारी असिस्टेंट टीम के लिए थी जहाँ प्रेपरेशन की बात है आई थिंक एंटायर टेक्निकल साइड ऑफ बॉम्बे वेलवेट इट सो मच ऑफ रिसर्च फॉर एट ईयर जहां सेट्स की बात है जहाँ सिनेमाटोग्रफी है यू नो इफ यू सी द मेकिंग ऑल्सो लॉट ऑफ वर्क हैज़ गॉन सो थ्री ऑफ अस केम ऑन सेट इट वॉज वेरी इजी फॉर अस क्योंकि वी वर ट्रांसपोर्टेड इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ वी केम इन है कॉस्ट्यूम वॉर्ड एंड इट जस्ट फेड लाइक जो ट्रैम्स बनाए थे यू नो द जूनियर आर्टिस्ट इंट्रिकेट डिटेल्स लाइक जो बॉम्बे वैलट में जो प्लेट्स थे नैपकिनस था रोजी का जो ग्रीन रूम था उसमें द स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज आई थिंक लॉट ऑफ डिटेलिंग हैज गॉन बाय द टेक्निकल साइड एंड आई थिंक ऑल द रिसर्च वर्क ऑल द प्रिपरेशन दट एंड एक्टर शुड डू वॉज डन बाय दैम सो आई थिंक दैट री हेल्प डॉट